प्रेरणा कथा देने वाले के हाथ। एक बार एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ बाजार गया। उसकी माँ बहुत देर तक बहुत सी दुकानों से सामान खरीदती रही। एक दुकान पर जब उसकी माँ अंदर सामान देख रही थी, वो छोटा लड़का काउंटर पर ही खड़ा था। उस दुकान के मालिक ने कांच के बड़े से कटोरे में बहुत सी टॉफियां, गोलियां और रंगीन कागजों में लिपटी हुई छोटी छोटी चॉकलेट रखी हुई थी। उस छोटे लड़के को देखकर उस दुकानदार ने वो कांच का बड़ा सा कटोरा उस लड़के के सामने रखते हुए कहा, प्यारे बच्चे कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ ले लो। लड़का चुपचाप खड़ा रहा और उसने उस कटोरे में से एक भी चॉकलेट नहीं ली। दुकानदार को आश्चर्य हुआ क्योंकि छोटे बच्चे तो जल्दी से एक या दो चॉकलेट ले ही लेते थे। उसने एक बार फिर से प्रयास किया और उस लड़के को कटोरे में से कुछ चॉकलेट लेने का कहा। लड़के ने इस बार भी कुछ नहीं लिया। कुछ देर बाद उस लड़के की माँ भी सामान लेकर पैसे चुकाने के लिए काउंटर पर आ गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटे तुम चॉकलेट ले सकते हो, देखो अंकल ने के कटोरे में कितनी चॉकलेट्स हैं। परंतु उस लड़के ने माँ की बात नहीं मानी। जब दुकानदार ने देखा कि लड़के ने माँ की बात नहीं मानी, तो उसने खुद ही एक मुट्ठी भरकर चॉकलेट्स और मिठाइयाँ उस लड़के की तरफ बढ़ा दी। इस बार लड़के ने दोनों हाथ फैलाकर सब चॉकलेट्स ले ली। उसके दोनों हाथ भर गए थे और वह बहुत ही खुश था। माँ को आश्चर्य हुआ कि उसने दुकानदार या माँ के कहने पर चॉकलेट्स नहीं ली थी। परंतु जब दुकानदार ने खुद मुट्ठी भरकर चॉकलेट्स दी तो लड़के ने तुरंत स्वीकार कर ली थी। घर पहुंचकर माँ ने अपने बेटे से कहा, जब दुकानदार और मैंने तुमको चॉकलेट्स लेने को कहा था, तब तुमने चॉकलेट्स क्यों नहीं ली थी। उस लड़के ने बहुत ही भोलेपन से कहा, माँ मेरे हाथ कितने छोटे हैं, अगर मैं खुद लेता तो एक या दो ही तो ले पाता। परंतु दुकान वाले अंकल के हाथ कितने बड़े थे, देखिए उन्होंने मुझको कितनी सारी चॉकलेट दी है। मित्रों, है तो ये एक बहुत ही साधारण सी कथा, परंतु अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो एक बहुत बड़ा पाठ सीखेंगे। जब हम प्रभु से मांगते हैं तो थोड़ा ही मांगते हैं, परंतु जब प्रभु देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं। प्रभु हमको इतना देते हैं जिसकी हमने आशा भी नहीं की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।